सो ये है 4Xplore यानी कि 4-wheel drive सिस्टम के साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो का ये वाला जो मॉडल है दैट इज 4-wheel drive। एंड वैसे तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दोनों ही अवेलेबल हैं स्कॉर्पियो एन में। पेट्रोल इंजन में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, डीजल इंजन में भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, बट जो 4WD ऑप्शन है वो सिर्फ आपको डीजल के साथ मिलेगा। तो डीजल मैनुअल डीजल ऑटोमेटिक दोनों के साथ आपको 4WD सिस्टम मिल जाता है। फुली लोडेड स्कॉर्पियो एन है ये, यानी कि सारे फीचर्स अवेलेबल है। फटाफट से चेक करते हैं इस क्विक वॉक अराउंड में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, क्या ऑन रोड प्राइस है, इसका कंपैरिजन भी करेंगे विद राइवल कार्स। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये है इसका बहुत ही पावरफुल इंजन, साउंड एडिंग मटेरियल काफ़ी यूज़ करा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी मिल जाता है। इट इज़ अ टर्बो चार्ज्ड वेरी पावरफुल इंजन, बिगर साइज की बैटरी भी दी गई क्योंकि गाड़ी बड़ी है, तो बैटरी भी उस हिसाब से काफ़ी बड़ी आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों ये है Z8L मॉडल विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन फुली लोडेड मॉडल है ये। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स, सारी यहाँ पे कमाल के सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं। 6 एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सारी सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं। तो स्कॉर्पियो में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो व्हाइट कलर और जो ब्लैक कलर है, इनकी लुक ही बिल्कुल अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। और ये बहुत ही बिग साइज की किंग साइज SUV लगती है रोड पे, बहुत ही मस्कुलर लुक है। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको कुछ ऐसी ग्रिल मिलेगी एंड यहाँ पे सेंटर में कैमरा दिया गया है, फ्रंट कैमरा भी अवेलेबल है, रियर कैमरा भी मिल जाता है। दीज आर द हेडलैम्प, सो फुल LED हेडलैम्प अवेलेबल है। प्रोजेक्टर आपको मिलता है लो बीम के लिए, ये भी लो बीम के लिए, और जो हाई बीम है वो यहाँ पे आपको मिलती है रिफ्लेक्टर में, हाई बीम प्रोजेक्टर में नहीं देगी। यहाँ पे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, साथ में यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स, प्रोजेक्टर, LED फॉग लैम्प। और यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोच एंगल, बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच एंगल दिया गया है। इवन जो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इन बुक्स आती है ग्राउंड क्लियरेंस वो बहुत कम आती है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है कि अगर आपको इन एंड आउट अंदर करना है तो यहाँ पे कुछ हैंडल को होल्ड करके ही अंदर बाहर होना पड़ेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही कमाल की ग्राउंड क्लियरेंस है। और हमने इसकी ऑफ रोडिंग भी करी है कंप्लीट एम्बी वैली में, लोनावला में, बहुत ही ज़बरदस्त कार है, इवन फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा कैपेबल है ये ऑफ रोडिंग के टर्म्स में। एयर कर्टन मिल जाता है जो कि यहाँ पे इस साइड दिया गया अंदर की साइड, और साथ में ये है 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 255/60 सेक्शन टायर, ऑल 4 डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। यहाँ पे साइड में वो क्लैडिंग मिल जाती है, ऑटो फोल्डिंग ORVM दिए गए, टर्न इंडिकेटर्स की जो LED है वो भी बहुत ही प्रीमियम लगती है। यहाँ पे कंप्लीट क्रोम फिनिश, क्रोम डोर हैंडल आपको मिलेंगे, और ऊपर सनरूफ अवेलेबल है, साथ में बिग साइज की रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना, और यहाँ पे एड्रेनो X मिल जाता है विच इज़ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 80+ कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं। स्मार्टफोन ऐप से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, बैठने से पहले ही AC को ऑन कर सकते हैं, हीटर को ऑन कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के फीचर्स अवेलेबल हैं। रियर में बहुत ही बिग साइज का स्पॉइलर आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक ऑफर करता है। इसी के साथ दोस्तों जितने भी कार्स हैं उन सबकी जो सर्विस कॉस्ट है हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड है अप टू 10 ईयर्स तक की, तो हर एक कार की सर्विस कॉस्ट आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और इसी के साथ में यहाँ पे अगर आप किसी कार का ऑफर डिस्काउंट जानना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफर डिस्काउंट जो कि डीलर कभी भी नहीं बताते, इंश्योरेंस पे 70% 40% आपको ऑफ मिलता है जो कि आप फुल अमाउंट इंश्योरेंस की देके आते हैं, तो उन सब की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉर्म देके फटाफट से सबमिट करें, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज़ द ऑन रोड प्राइस। और स्कॉर्पियो की बैजिंग यहाँ पे, 4Xplore की बैजिंग विच इज़ 4WD, LED लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलेंगी, जो स्पेयर टायर है वो नीचे माउंटेड है, तो ये है कंप्लीट स्पेयर टायर जो कि स्टील व्हील दिया गया, अलॉय नहीं है। रियर में आपको कैमरा मिल जाता है और कैमरे के साथ सेंसर्स, यहाँ पे रिवर्स लैम्प, रिफ्लेक्टर्स, जो बूट है वो कुछ ऐसे ओपन होगा, और ये अंदर से भी ओपन होने के लिए कर रखा है। साथ में जो बूट स्पेस है वो इतना आपको मिलेगा, ये जो सीट है ऐसे फोल्ड हो जाती है, और इसके अलावा ये ऐसे भी फोल्ड हो जाती है, तो इतना बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ स्पेस आपको मिल जाता है, और पीछे की तरफ यहाँ पे लैम्प दिया गया जो कि 3rd रो के लिए, और एक यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। और ये सीट जो है रिक्लाइनेबल नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ओवरऑल जो डायमेंशन है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर विद डायमेंशन कंपेरिजन। तो रियर में वो कुछ ऐसे LED टेल लैम्प मिलेंगे, टेल लैम्प काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं, यहीं तक दिए गए, ऊपर तक आपको नहीं मिलते। देन सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, साथ में दोस्तों इसको प्रेस करेंगे तो ये है डीजल, यहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड,
फिल होता है एड ब्लू, और जो ऑन रोड प्राइस कंपेरिजन है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अब चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं कि वहां पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो अब चेक करते हैं दोस्तों इंटीरियर्स, एंड कुछ ऐसी यहाँ पे आपको गाड़ी की चाबी मिलेगी महिंद्रा के न्यू लोगों के साथ, बहुत ही हेवी ड्यूटी यहाँ पे चाबी दी गई है गाड़ी की तरह ही। लॉक एंड लॉक एंड डेल गेट स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फोल्ड की दी गई है। ऑल्सो दोस्तों अगर मैं जैसे ये अनलॉक बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो दोनों जो विंडोज़ है वो नीचे रोल डाउन हो जाएगी और सनरूफ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो जैसे गर्मी में आपने गाड़ी लगा रखी है तो ये कैबिन को आराम से कूल डाउन कर देगी, ताकि जब आप कैबिन में अंदर बैठे तो आपको जो है इतनी गर्मी ना लगे। साथ में आप यहाँ पे अपने स्मार्टफोन से या स्मार्ट वॉच से गाड़ी को स्टार्ट पहले ही कर सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट कीलेस एंट्री, तो बटन प्रेस करेंगे तो कार लॉक हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी, एंड ORVM तब ओपन होगा जब आप पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। और यहाँ पे वेलकम फंक्शन, और ये है डैशबोर्ड के लुक। तो इंटीरियर्स जो है वो काफ़ी एक लग्जरी साइड पे दिए गए हैं, जो लेदर भी है वो बहुत ही प्रीमियम लगता है। और ये है लेदर सीट अपॉल्स्ट्री, और यहाँ पे आपको एक सनरूफ देखने को मिल जाएगी, टिल्ट भी कर सकते हैं, पीछे स्लाइड भी हम कर सकते हैं। और जो सनरूफ की ओपनिंग है दोस्तों वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी अच्छी तरह से ये ओपन हो जाती है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी सनरूफ दिख रही है, छोटी नहीं है ये। ऑल द फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ जो है वो XUV700 में मिलेगी, यहाँ पे वो नहीं दी गई। इसी के साथ यहाँ पे रूफ पे भी वन स्पीकर अवेलेबल है। गाड़ी की चाबी को यहाँ पे रख देते हैं, और ड्राइवर साइड सीट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, 6-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है, आराम से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट मैनुअल दी गई है, तो जैसे हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट, और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और ये है हेडलैम्प लेवलर, दोनों कंट्रोल्स एल्यूमिनेटेड है, यानी कि पीछे लाइट आपको मिलती है। और ये है फ्रंट डोर स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं, साथ में क्रैब हैंडल। यहाँ पे कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में स्विचेस मिलेंगे, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगते हैं, और सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं एल्यूमिनेटेड। यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच मिल जाता है, यहाँ पे ORVM कंट्रोल, एंड सबसे खास बात दोस्तों जो स्कॉर्पियो की है वो ये कि वहाँ पे भी जो पैसेंजर साइड विंडो है वहाँ पे भी आपको ऑटो अप डाउन का फंक्शन मिल जाएगा, तो ऑटो डाउन साथ में ऑटो अप, और यहाँ पे भी इवन दिया गया। और यहाँ पे भी आपको जो डोर आर्मरेस्ट मिलती है बहुत ही प्रीमियम है, काफ़ी कुशन भी दी गई है, तो अच्छा कम्फर्ट ऑफर करती है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी दी गई है, तो यहाँ पे हम ऐसे पैर रख के इसको पकड़ के अंदर बाहर हो सकते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और कुछ ऐसा व्यू मिलता है आपको ड्राइविंग के टाइम, बहुत ही बढ़िया एक प्रॉपर आपको व्यू मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छी हाइट पे बैठे हैं और आप एक किंग ऑन द रोड है, तो बहुत ही अच्छी कमांडिंग पोजीशन मिलती है। बहुत बड़े साइज के ORVM दिए गए हैं, यहाँ पे फ्रंट में बिग साइज की आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स ही है, कुशन दी गई है, कंफर्टेबल है, लेकिन अंदर कुछ स्टोरेज एरिया आपको कुछ खास यहाँ पे नहीं मिलता, बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज एरिया दिया गया। और ये 4x4 है, तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे कंट्रोलर मिल जाता है। उससे पहले दोस्तों ये है इन्वॉल्व की बोटैनिकल गार्डन परफ्यूम, इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही सूदिंग और रिलैक्सिंग है, जैसी गाड़ी में हम अंदर घुसेंगे आपको एकदम से रिलैक्सेशन फील होगी इस परफ्यूम के साथ। मेड इन इंडिया है, फ्लो आप एडजस्ट कर सकते हैं, अभी कभी विजिट करें involvesense.com पे, यूज कूपन को टीम कार्ड लाइट। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे कंट्रोलर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 4-wheel लो मिलता है और यहाँ पे 4-wheel हाई, साथ में ये जो नॉब है इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट टेरेन मोड्स को। तो ये है ग्रास ग्रेवल स्नो मोड, नेक्स्ट वाला मोड करते हैं थर्ड वाला, तो ये है मड एंड रट मोड, और जो लास्ट वाला है वो है सैंड मोड। तो इसमें डिफरेंट मोड में आप यहाँ पे बहुत ही आराम से इसमें स्विच कर सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल मोड जो कि ये वाला है। और कुछ ऐसी आपको लेदर आप गियर नॉब मिलेगी, रिवर्स गियर लगाएं, तो ये है रियर व्यू कैमरा, फ्रंट सेंसर रियर सेंसर दोनों का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है। जो गाइडलाइंस दी गई है वो प्रॉपर अडेप्टिव है, और इवन यहाँ पे भी आपको फ्रंट रियर सेंसर का डिस्प्ले मिलेगा, वो भी सेंटीमीटर्स में। और जैसे यहाँ पे स्टीयरिंग हम घुमाएंगे तो यहाँ पे
जो गाइडलाइंस है वो भी घूमती है, प्रॉपर मूव होती है, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ पे हम मतलब जा रहे हैं, हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। तो वाइड एंगल व्यू, साइड से व्यू प्रॉपर आपको मिल जाता है, फ्रंट सेंसर का भी यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा, वो भी सेंटीमीटर्स में। और इसी के साथ हमें कहीं भी पार्किंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पे इसमें हेल्पफुल मोड यहाँ पे मिल जाते हैं, दो मोड जो कि महिंद्रा की बाकी गाड़ियों में मिलते हैं। यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट हम कर सकते हैं आराम से। तो कैमरा तो काफ़ी कमाल का यहाँ पे दिया गया, इवन हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो स्क्रीनशॉट स्टोर्ड। और यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर मिल जाता है, तो ये है वायरलेस चार्जर, काफ़ी अच्छे साइज़ का दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये सब एल्यूमिनेटेड मिलता है सारे कंट्रोल्स। तो यहाँ पे पैसेंजर साइड एयरबैग ऑफ होगा तो उसका रिमाइंडर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर। यहाँ पे दो USB पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे SOS इमरजेंसी के लिए हम अगर कॉल करना चाहें तो SOS कॉलिंग मिल जाती है। यहाँ पे कैमरा का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है जब आप स्टैंड स्टिल पे आते हैं। हैजार्ड लैम्प जिसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, और ट्रैक्शन कंट्रोल को हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल को हम यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इधर से रिमाइंडर हमें प्रॉपर मिल जाएगा। और ये है AC के कंट्रोल्स, सो डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि जो पैसेंजर है वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है, जो ड्राइवर है वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर सकता है। सो क्लाइमेट कंट्रोल पे यहाँ पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने लिए टेम्परेचर सेट कर लिया 24, जो पैसेंजर है उसने अपने लिए सेट कर लिया 30, डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं हम लोग। साथ में मैक्स AC का ऑप्शन भी मिलता है जो कि फटाफट से कैबिन को कूल कर देता है। और दोस्तों ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। सोनी का आपको साउंड सिस्टम मिलेगा, 3D सराउंड सिस्टम मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है, वायरलेस इनबिल्ट आपको नेविगेशन मिल जाएगी जो कि प्रॉपर टर्न बाय टर्न शो करती है, फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, अपने फ्लाईओवर के नीचे से जाना है, कहाँ पर टर्न करना है, कितने मीटर्स के बाद यहाँ पर यू टर्न है, वो सब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बारीकी से शो होता है। क्लाइमेट कंट्रोल, बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं इधर इसके अंदर ही, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए वो सब यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, PUC, पॉल्यूशन लाइसेंस वगैरह सब कुछ, इंश्योरेंस। यहाँ पे फ्रंट कैमरा का डिस्प्ले, तो आपको फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों ही मिल जाता है प्रॉपर, उसका आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल दो 360 कैमरा अवेलेबल है XUV की तरह, फ्रंट एंड रियर कैमरा आपको मिल जाता है। और गैलरी जहाँ पे इमेजेस वगैरह स्टोर होती है, USB के थ्रू भी यहाँ पे आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं, इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, हॉरोस्कोप मिल जाता है, जस्ट डायल, काफ़ी सारी ऐप अवेलेबल हैं, न्यूज़ अपडेट की ऐप आपको मिल जाएगी यहाँ पे, टिकट टिप स्टॉक की ऐप मिल जाएगी, ट्रैवल वेदर वगैरह पूछ सकते हैं यहाँ पे, वॉइस कमांड के थ्रू आप वेदर पूछ सकते हैं, सनरूफ ओपन कर सकते हैं, कोई ड्राइवर साइड विंडो ओपन करना चाहे, टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहे, सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए। माय ड्राइव मैनेजर, तो यहाँ पे इनबिल्ट जो स्टोरेज एरिया है, जो आपको स्टोरेज इनबिल्ट मिल जाती है, उसमें भी आप यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं, 1.9 GB के अंदर स्टोरेज आपको मिल जाती है, तो मूवी सॉन्ग वगैरह सब आप यहाँ पे इनबिल्ट स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ से हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बटन दिए गए हैं दोस्तों, साथ में SOS रोड साइड असिस्टेंस, गाड़ी को आपको पिक करवाना हो सिर्फ आपको बटन प्रेस करना, ऑटोमेटिकली कॉल मिल जाएगी। वैले मोड दिया गया है, तो जैसे अगर आप गाड़ी अपने किसी वैले को देते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो वो आप वैले मोड ऑन कर देंगे तो गाड़ी से आप वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, आपके डॉक्यूमेंट्स जो अंदर स्टोर है उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो बहुत ही कमाल के फीचर्स अवेलेबल है, एंडलेस फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सोनी का एक सेंटर स्पीकर, यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश, कुशन लेदर दिया गया प्रॉपर, स्कॉर्पियो की बैजिंग, यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे अंदर एक लाइट भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही ब्राइट है। और यहाँ पे देखेंगे तो वैनिटी मिरर विद लैम्प, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता, इवन XUV में भी ऑटो डिमिंग IRVM नहीं दिया गया, ऑल दो व्यू तो अच्छा ऑफर करता है। साथ में फ्रंट में लैम्प, ये काफ़ी पावरफुल लाइट्स हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ये विजिबिलिटी देती है। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको टॉलर सीट होल्डर मिलता है, कोई लैम्प या फिर इधर मिरर नहीं दिया गया। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, फ्लैट बॉटम लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील इतनी बड़ी गाड़ी के लिए पूरा ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया, और इजी टू मैन्यूवर है ये कार। और साथ में यहाँ पे टायर डायरेक्शन डिस्प्ले भी शो होता है, तो एग्जैक्ट टायर की क्या डायरेक्शन है यहाँ पे प्रॉपर ये शो करेगा। लेफ्ट साइड दोस्तों दिए गए हैं यहाँ पे कुछ ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, MID के कंट्रोल्स,
यहाँ पे वाइपर की कंट्रोल्स, स्कैटर्ड स्प्रे करते हैं वॉशर्स और वाइपर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल वाइपर दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ हेडलैम्प कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, सब फीचर अवेलेबल है और टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दी गई, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट ही है। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो कंट्रोल है वो आपको यहीं पे मिल जाता है, तो बहुत ही आराम से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये शो करता है, बहुत ही बिग साइज के अंदर स्क्रीन दी गई है, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पे DEF क्या लेवल है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे डिजिटल स्पीड ये शो करेगा, थोड़ा सा हल्का सा ये स्लो दिया गया तो आपको यूज होने में टाइम लगेगा, XUV की तरह ही सेम। व्हीकल इन्फॉर्मेशन, तो टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर मिल जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं गाड़ियाँ टायर टेम्परेचर तो शो नहीं करती, सिर्फ टायर प्रेशर शो करती है, तो टायर टेम्परेचर शो होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रियल टाइम पावर एंड टॉर्क फिगर्स, साथ में इनबिल्ट नेविगेशन प्रॉपर आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जैसे नेविगेशन यहाँ पे दिख रही है वैसी नेविगेशन आपको यहाँ पे दिख जाती है। अलर्ट हिस्ट्री, तो कोई भी यहाँ पे सीट बेल्ट अलर्ट होगा, लो फ्यूल अलर्ट होगा, उसका आपको रिमाइंडर भी मिलेगा और वॉइस कमांड के थ्रू भी पता चलेगा कि फ्यूल इज़ लो, और अगर आप यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं तो जो नियर बाय पेट्रोल पंप है वहाँ पे ऑटोमेटिकली नेविगेशन भी लग जाती है। तो फीचर्स यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले होता है, साथ में गियर पोजीशन इंडिकेटर भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और अब चेक करते हैं रियर सीट, कोई भी डोर ओपन होता है आपको प्रॉपर रिमाइंडर मिल जाएगा, बोनेट ओपन करते हैं तो प्रॉपर आपको बोनेट का रिमाइंडर भी मिल जाता है यहाँ पे। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स, तो ये है रियर डोर कम्प्लीट, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलती है, यहाँ पे ये प्लास्टिक फिनिश दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश, एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, और ये है रियर सीट्स। तीन आपको हेडरेस्ट मिलती है, दो यहाँ पे एडजस्टेबल दी गई है, एक सेंटर में फिक्स्ड हेडरेस्ट, और ये जो सीट है दोस्तों ये इतनी रिक्लाइन हो जाती है, बोली भी इतनी रिक्लाइन हो जाएगी, तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ रिक्लाइन और नॉन रिक्लाइन का। साथ में यहाँ पे सेंटर में एक आर्मरेस्ट दी गई है, दो कप होल्डर्स हैं, एसी वेंट, यहाँ पे कंट्रोल फैन का, और सी टाइप यहाँ पे चार्जर दिया गया है जो कि एल्यूमिनेटेड है। फ्रंट सीट के बैक पे आपको पॉकेट मिल जाती है, देन दोस्तों यहाँ पे एक और लैम्प जो कि अगेन काफ़ी पावरफुल है, फुल LED दिया गया है। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, इधर भी सीट बेल्ट यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं दी गई, XUV 300 में है लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई। और ये है डैशबोर्ड के लुक, तो स्कॉर्पियन के जो इंटीरियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं, ऊपर की साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकर, पीछे की साइड भी यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं दोनों साइड। और थर्ड रो चेक करते हैं, उस साइड से चेक करते हैं, तो वन टच स्टंबल, और ये है थर्ड रो सीट जो कि रिक्लाइनेबल नहीं दी गई, और यहाँ पे कुछ स्पेस, साथ में एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, कुछ स्पेस मिल जाती है। थर्ड रो में कोई AC वेंट अवेलेबल नहीं है, स्पीकर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे लाइट मिल जाती है दोनों साइड, ग्रैब हैंडल। तो आपको कैसी लगी दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये टॉप मॉडल, एंड यहाँ पे चाइल्ड लाइट फिक्स माउंट्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। इसी के साथ लिंक दिए गए सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक करें, अपना नेम एंड नंबर सबमिट कर दे फॉर ऑफर्स डिस्काउंट्स, तो आपको सारी डिटेल फटाफट से मिल जाएगी। और ये है 4x4 का कंट्रोलर,